Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जंबल वर्ड एंड सेंटेंस क्रिएशन. इस चैप्टर में हम देखेंगे जंबल वर्ड एंड सेंटेंस क्रिएशन से किस प्रकार के MCQ इंग्लिश ओलंपियाड में क्लास 12 के लिए आते हैं. साथ ही हम देखेंगे कि जंबल वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं और उसके सेंटेंस क्रिएशन कैसे होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके MCQ के साथ. जंबल वर्ड एंड सेंटेंस क्रिएशन. पहला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर एंड राइट द वर्ड इन स्पेस प्रोवाइडेड. जंबल लेटर्स का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर हमारा टॉपिक है जंबल वर्ड एंड जंबल सेंटेंस. तो जंबल लेटर्स, लेटर्स को आगे पीछे करके उसको जंबल कर दिया जाता है, फिर उससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, नंबर वन हमने लिया है LLABOONS को हमने लेटर्स आगे पीछे जो जंबल किए गए हैं और इसको अरेंज करके हमने मीनिंगफुल वर्ड्स इसके बनाए हैं बैलून्स. तो ये हो जाता है आपका जंबल वर्ड, जंबल वर्ड से वर्ड बनाना. इसी प्रकार नंबर सेकेंड है ULBLUE, इससे सेंटेंस हमारा बन जाता है ब्लू. नेक्स्ट हमारा तीसरा हो जाता है, इससे हो जाता है सेंटेंस हमारा बिलो, BELOW. नेक्स्ट इसी प्रकार इस सेंटेंस से हम क्या बना सकते हैं, इस सेंटेंस से हम बना सकते हैं DONKEY, डंकी. ये हो गया है हमारा डंकी. नेक्स्ट इसी प्रकार ZENO लेटर से हम कौन से वर्ड बना सकते हैं, इससे हमारा मीनिंगफुल लेटर वर्ड बन जाता है OXEN, ऑक्सेन. नेक्स्ट हमारा हो जाता है CULH से हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनता है LUNCH, लंच. नेक्स्ट सेवन नंबर्स, इससे हम मीनिंगफुल लेटर से हम मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, जो हमारा वर्ड बन रहा है पीपल. नेक्स्ट नंबर एट, इस लेटर से हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनता है कैरोट. एंड नेक्स्ट नंबर नाइन, इस लेटर से हमारा वर्ड बन रहा है टेल. टेल एंड टेन से हमारा बन जाता है नो, KNOW. तो इस प्रकार के लेटर्स से, जंबल लेटर से आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस टाइप हो गए. और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो है हमारे, चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म बाय द गिवन जंबल वर्ड. कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आगे पीछे करके सेंटेंस बनाए रहते हैं, तो हमें सेंटेंस क्रिएट करना है. तो इसको क्रिएट करने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस. यानी सेंटेंस एक वर्डों का समूह है जिससे कंप्लीट सेंस, कुछ अर्थ निकलता है. इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड इसका फुल स्टॉप से होता है, फुल स्टॉप पर होता है. इट ऑलवेज कंटेन अ फाइनाइट वर्ब. यह हमेशा फाइनाइट वर्ब रहता है. और सेंटेंस में भी स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड. सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन हो सकते हैं या कमांड्स होते हैं, कमांड हो सकते हैं. तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आपको अरेंज करने होते हैं. तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं. पहला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म द गिवन जंबल वर्ड. वी शेयर कैन फूड द, ये अलग अलग वर्ड है, इसको हमें अरेंज करके इसका मीनिंगफुल वर्ड निकालना है. तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज कैपिटल रहता है. और ज़्यादातर इसमें क्या हमारा होता है, हिंट्स के लिए आप समझ सकते हैं, हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस जो है नाउन या प्रोनाउन के द्वारा स्टार्ट होता है. नाउन्स में कोई नेम, थिंग्स या प्लेसेस हो सकते हैं, जबकि प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे या यू, इस प्रकार के कोई भी वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. तो इसमें हमारा सेंटेंस देख सकते हैं, वी शेयर कैन फूड द. तो स्टार्टिंग लेटर हमारा यहाँ वी कैन शेयर द फूड, ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि वी हमारा कैपिटल लेटर भी है और प्लस प्रोनाउन भी हो रहा है. तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या हो सकता है. नेक्स्ट हमारा टू, मॉन्क लुक लाइक एंजल शेयर.
तो इसको हम अरेंज करके देख सकते हैं, आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन सी, एंजल्स आर्क लुक लाइक मॉम, अर्थात इसका मतलब हो जाता है कि एंजल्स जो है एंजल सार्क भिक्षुओं की तरह दिखती है। इससे एक मीनिंगफुल अर्थ भी हमारा निकलता है और साथ ही ए हमारा एंजल एक नाम हो जाता है जो नाउन है। उसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विल ही माई टू हाउस कम। इस तरह में क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैपिटल लेटर कौन सा हो रहा है या नाउन या प्रोनाउन से कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका हो जाता है ही विल कम टू माई हाउस, ही विल कम टू माई हाउस। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हमारा प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसका मीनिंगफुल वर्ड अर्थ ये हो जाता है वह मेरे घर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आ लेटर रोजी रो। तो इसमें हमारा हो जाता है ए रोजी रोट अ लेटर, ए रोट रोजी लेटर, रोजी ए लेटर रोट या रोट अ लेटर रोजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, रोजी रोट अ लेटर, क्योंकि रोजी एक नाम है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और नाउन भी हो रहा है, नाम है जिसके कारण वह नाउन है। जो भी हमने आपको बताया हिंट्स के रूप में कि हमारा सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, किसी नाम थिंग्स या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो हमारा ये रोजी क्या है, नाउन। तो रोजी रोटे लेटर, इसका मतलब हो गया कि रोजी ने पत्र लिखा, ठीक है, रोजी ने एक पत्र लिखा, इसका मीनिंगफुल अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, अ न्यू ज्योमेट्री बाउट बॉक्स। ए बॉक्स ए न्यू ज्योमेट्री बाउट आई, बी ज्योमेट्री बाउट अ न्यू बॉक्स आई, सी अबाउट अ न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, अ बॉक्स न्यू अ आई बाउट ज्योमेट्री। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है ऑप्शन सी, आई बाउट अ न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, मैंने एक नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा। आई यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन हो जा रहा है और कैपिटल है, तो इस प्रकार इसको हम पहचान सकते हैं फर्स्ट लेटर और लास्ट में हमारा ये फुल स्टॉप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर सिक्स, फोटोग्राफ इन द एल्बम सरप्राइज वाज सोनू व्हेन ही सॉ हिज। अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पसंद है, आपको क्या पसंद है, किस तरह के आप टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर सिक्स, फोटोग्राफ इन द एल्बम सरप्राइज वाज सोनू व्हेन ही सॉ हिज। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। ए सॉ व्हेन ही द फोटोग्राफ इन द एल्बम सोनू हिज सरप्राइज वाज, बी इन द एल्बम ही सॉ हिज फोटोग्राफ सोनू वाज सरप्राइज, सी एल्बम ही सोनू फोटोग्राफ व्हेन सोनू सॉ इन द सरप्राइज इन द एंड सोनू वाज सरप्राइज व्हेन ही सॉ फोटोग्राफ इन द एल्बम। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सोनू वाज सरप्राइज व्हेन ही सॉ हिज फोटोग्राफ इन द एल्बम। सोनू ने जब अपना एल्बम में अपनी फोटो देखी तो हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है, सोनू हमारा एक नाम हो रहा है जो नाउन से स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे सेंटेंस का एक अर्थ निकल रहा है कि सोनू ने जब एल्बम में अपनी फोटो देखी तो हैरान रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सम टॉक्सिक सम एक्सोटिक सेनू डिशेज प्रिपेयर। ए सेनू प्रिपेयर टॉक्सिक सम डिशेज, सम सेनू प्रिपेयर डिशेज टॉक्सिक, सेरू प्रिपेयर सम टॉक्सिक डिशेज और एक्सोटिक सेनू डिशेज सम प्रिपेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सेनू प्रिपेयर सम टॉक्सिक डिशेज। सेनू हमारा नाउन हो जा रहा है और यहाँ पर लास्ट फुल स्टॉप से हो रहा है, प्रिपेयर वर्ब यहाँ हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है सेनू प्रिपेयर सम टॉक्सिक डिशेज, अर्थात सीनू ने कुछ विदेशी व्यंजन बनाए हैं। नंबर ए, कुक मदर इज माई गुड कुक, ए मदर इज माई गुड कुक, बी माई मदर इज ए गुड कुक, सी माई मदर कुक इज अ गुड एंड डी मदर गुड माई इज अ कुक।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माय मदर इज अ गुड कुक। माय यहाँ प्रणाउन हो जाता है, माय मदर इज अ गुड कुक, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सैंड कैस्टर इज बिग इन द इज सैंड कैस्टर बिग इन द बिग ऑन द बिस इज द सैंड कैस्टर ऑन द बिग इज द सैंड कैस्टर ऑन द बिस बीच ब्रिज इज बिग एंड ऑन द बिग इज ब्रिज इज सैंड कैस्टर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द सैंड कैस्टर ऑन द ब्रिज इज बिग। समुद्र तट पर रेत का महल बना है। नंबर 10, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज ही अ, ए इज ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बी ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सी ही अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज एंड ए प्रोफेसर ही इज यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं। तो ये थे इस जंबल लेटर एंड क्रिएटिंग अ सेंटेंस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न जो कि ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।